नमस्कार, कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। साथियों, चुनाव का आखिरी चरण होने वाला है, यानी कि 1 जून को चुनाव भी समाप्त हो जाएगा और हम कोटेदारों की आशाएं धरी की धरी रह जाएगी। और इसी बीच दोस्तों, सरकार की एक गाइडलाइन जारी करते हुए कहा है कि अगर आप लोगों ने अपने राशन कार्ड को EKYC नहीं किया है तो आपके राशन कार्ड को रद्द किया जा सकता है, और अगर रद्द नहीं किया जा सकता है तो आप अपने लाभ से वंचित हो जाएंगे। अब आप लोगों के मन में सवाल ये उठता होगा कि आखिर किस राज्य और किस जिले के राशन कार्ड निरस्त हो गए, और किन किन राशन कार्डों को निरस्त किया जाएगा, और किन किन राशन कार्डों की EKYC होगा। सब कुछ हम A to Z इस वीडियो में एक्सप्लेन किए हैं आप लोगों के लिए, तो हम चाहेंगे आप लोग वीडियो को पूरा देखेंगे। और जो भाई लोग वीडियो पर नए हैं, लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि इस चैनल पर सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की वीडियो अपलोड होती है। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों, हमने पहले पेपर की कटिंग आप लोगों के साथ शेयर की है। यहाँ इन्होंने कहा कि अगर 31 मई तक आप लोगों ने EKYC नहीं किया है तो आप लोगों को लाभ से वंचित कर दिया जाएगा, यानी कि आप लोगों के राशन कार्ड को डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। और दोस्तों, आप लोगों का शक में दूर करते हुए बता दूं कि ये सिर्फ़ और सिर्फ बिहार राज्य में ये नियम लागू हुआ है, और अभी कोई अन्य राज्यों में ये नियम लागू नहीं हुआ है। तो अगर आप लोग बिहार के निवासी हैं तो इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, उन लोगों के पास इस वीडियो को पहुँचाएँ जो लोग राशन कार्ड से अपने राशन का लाभ लेते हैं। और रही बात दोस्तों हम कोटेदारों के, तो हम कोटेदारों का बस यही काम है दोस्तों कि हम लोग मेहनत पे मेहनत करते रहें और सरकार हम लोगों पर ध्यान ना दे। लेकिन दोस्तों, अब हम लोगों को सरकार को चेताने का वक्त आ गया है। चुनाव के बाद आचार संहिता ख़त्म होने के बाद दोस्तों, हम लोग एक बार फिर से नियम बनाएंगे और रणनीति बनाएंगे कि हम लोग सरकार के खिलाफ क्या करने वाले हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों, मैं यही बताने वाला था कि 31 मई तक आप लोग अपने राशन कार्ड को EKYC कर लें, अन्यथा आप लोग लाभ से वंचित हो जाएंगे। आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों और इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।